अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, मेरा नाम तस्नीम बानो शफीक अहमद है। प्यारे बच्चों, आपने जमात चहरों के मजमून माहौल का मुतालिया हिस्सा दुआ के सबक नंबर 17 फसील बन पहाड़ी किलो और बहरी बेड़ों का इंतजाम इस सबक के बारे में मालूमात हासिल की है कि किस तरह शिवाजी महाराज ने किलों की तामीर की और किलों के नज्म नस्क को बरकरार रखने के लिए महासिब, हवलदार और मुंतजिम का इंतजाम किया। प्यारे बच्चों, इस सबक में आपने ये भी सीखा कि शिवाजी महाराज ने तोपे और गोला बारूद को का इंतजाम किया। प्यारे बच्चों, इस सबक में आपने ये भी सीखा कि शिवाजी महाराज ने जासूसी महकमे की बुनियाद डाली और इन जासूसी महकमों की मदद से दुश्मन की चालों को नाकाम किया। आइए अब हम हमारे अगले सबक यानी सबक नंबर 18 अवामी फलाह बहबूद पर मबनी स्वराज का इंतजाम। क्या? अवामी फलाह बहबूद पर मबनी स्वराज का इंतजाम इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि शिवाजी महाराज ने आदिलशाही निजाम, मुगल बादशाह, पुर्तगाली और जंजरे का सीधी जैसी नाइंसाफी करने वाली ताकतों से लड़ाइयां लड़ी और हिंदवी स्वराज का निजाम अमल में लाया। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि किसी भी समाज को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए उस समाज के लोगों यानी आवाम की बुनियादी जरूरतें मसलन लिबास, गिजा और मकान का पूरा होना बहुत जरूरी होता है। आप ये भी जानते हैं कि औरतों की इज्जत करना, आम रियाया और किसानों को उनकी जरूरियात की चीजें फराहम करना, इसके अलावा किसी के भी साथ ना इंसाफी ना की जाए और रियाया को या अवाम को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाए, तब ही वो समाज तरक्की करता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए शिवाजी महाराज ने हुकूमत की के लोगों यानी अवाम की फलाह बहबूद के लिए एक मजलिस कायम की और इस मजलिस की तश्कील शिवाजी महाराज ने उमूर हुकूमत को अच्छी तरह से अंजाम पजीर करने के लिए कायम की। प्यारे बच्चों, शिवाजी महाराज ने इस मजलिस में 8 विजरा को शामिल किया या इसके 8 शोबे थे और इन शोबों के जरिए उमूर हुकूमत को पूरा किया जाता था। इसलिए इस मजलिस का नाम अष्ट प्रधान मंडल रखा गया या आप इसे शिवाजी महाराज के अष्ट प्रधान मंडल भी कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस मंडल में या इस अष्ट प्रधान मंडल में जो वेजरा होते थे इनका तकर्रुर शिवाजी महाराज खुद ही करते थे। और आपको पता है कि इन अफसरान का तकर्रुर जब शिवाजी महाराज करते थे तो उनकी तकर्रुरी यानी उनको चुनने का काम उनकी काबिलियत और उनकी जहनी इस्तेदाद की बिना पर किया जाता था। यहाँ पर सिफारिशें काम नहीं आती थी। प्यारे बच्चों, अब आप ये जान लें कि इस कमेटी यानी अष्ट प्रधान मंडल कमेटी के फराइज क्या थे। सबसे पहला फर्ज उनका ये था कि हुकूमत का कारोबार चलाना। नंबर 2, हुकूमत के मालिया की निगरानी करना। नंबर 3, फौज की कयादत करना। नंबर 4, मजहबी मामलात की निगरानी करना। नंबर 5, अदल व इंसाफ कायम करना। नंबर 6, फरमान जारी करना।
नंबर 7 सरकारी खातों किताबत का काम करना, और आखिरी यानी नंबर 8 बैरूनी रियासतों से ताल्लुकात कायम करना। इन नुकात पर मबनी अष्ट प्रधानमंडल के फ्राइज थे।